साथियों, ये मार्च शुरू हो गया है, यहाँ से शुरू हो गया है अकोले से, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी साथियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे देश में इस मार्च को देख सकें। आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक मार्च शुरू हो गया है, आगे पूरा किसान सभा का नेतृत्व है और ये मार्च शहर को बाहर कर रहा है। अभी शहर के बस बीचों बीच है, ये मार्च का लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। सभी साथियों से अपील है कि इस मार्च की सारी तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये लॉन्ग मार्च किसानों का ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है और ये यहाँ से शुरू होकर के अखिल भारतीय आगे बढ़ रहा है। ये मोर्चा यहाँ से शुरू हो चुका है और सभी साथियों से अपील है, महाराष्ट्र का अकोले से किसानों का विशाल मार्च, लॉन्ग मार्च, ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में, तादाद में किसान यहां से निकल चुके हैं लॉन्ग मार्च के साथ में। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसान मजदूर बड़ी संख्या में यहां से निकल चुके हैं अकेलों से। ये मार्च शुरू हो चुका है, सभी साथियों से गुजारिश है ऐतिहासिक मार्च के लिए, किसानों की जो मांगे हैं। ये मार्च 3 दिन चलने वाला है, आज शुरू हुआ है और ये 10 किलोमीटर चलने के बाद आज रुकेगा, उसके बाद से कल पूरे दिन चलेगा, उसके बाद से परसों ये लोनी में ख़त्म होगा। सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उस सरकार ने जो वादे किए थे, जो मार्च में जो लॉन्ग मार्च किया था, सरकार ने फैसले तो बहुत सारे कर लिए मगर किसी भी फैसले को सरकार लागू करने को तैयार नहीं है। इसलिए किसानों ने दोबारा ये लॉन्ग मार्च निकालने का फैसला किया है। हजारों तक की तादाद में ये महाराष्ट्र का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। इस महाराष्ट्र की सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में किसान एकजुट होकर के, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं इस मार्च में, ऐतिहासिक मार्च में शामिल हुए हैं। और जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक ये मार्च चलेगा। इसलिए साथियों, ये ऐतिहासिक मार्च जो अकोले से शुरू होना था ये शुरू हो गया है। सभी साथियों से अपील है कि इस मार्च के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देश को इसको मार्च, ऐतिहासिक मार्च को दिखाने में सहयोग करें। ये मार्च शुरू हो गया है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक मार्च अकोले से शुरू हो गया है, महाराष्ट्र का किसान लॉन्ग मार्च, ये तीसरा किसान लॉन्ग मार्च है जो आज शुरू हुआ है। हजारों की संख्या में किसान यहाँ से मार्च में शामिल होकर के निकल पड़े हैं। ये लॉन्ग मार्च 28 तारीख के शाम तक लोनी में जाके ख़त्म होगा, जो सरकार का मंत्री है उसके बंगले पे जाकर के ख़त्म होगा। ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च जिसको आप देख रहे हैं, सभी साथियों से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसान उठ खड़ा हुआ है, किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ऐतिहासिक किसान मार्च में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने पिछले मार्च के समय में जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें सरकार ने जो मांगें मानी थी, किसी भी मांग को सरकार ने लागू नहीं किया। मान तो सब कुछ लिया मगर लागू किसी भी मांग को नहीं किया। आंदोलन ही किसान के हाथ में है, किसान ने दोबारा इस झंडे को उठा करके फिर से लॉन्ग मार्च शुरू किया और अब ये संकल्प लिया है कि जब तक ये किसान इन किसानों की मांगों, जब तक ये सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानेगा तब तक ये लॉन्ग मार्च चलेगा। वहाँ महापड़ाव भी हो सकता है मगर इस ऐतिहासिक आंदोलन को किसान अपनी मांगों को मांगे बिना
रुकेगा नहीं। तो ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च महाराष्ट्र का तीसरा किसान लॉन्ग मार्च है, ये तीसरी बार शुरू हो रहा है जो मैं बिना फ्रेम काटे आपको दिखा रहा हूँ। आप खुद ही आकलन कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग अकोले से निकले हैं और बीच में भी बड़ी संख्या में किसान इसमें जुड़ेंगे। बड़ी संख्या में वाहन हैं, गाड़ियां हैं, पीछे बहुत ही लंबा जुलूस है। ऐसा लग रहा है कि किलोमीटर तक में ये जुलूस पहुंचेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये महाराष्ट्र का जो किसानों का जुलूस है, मार्च है, ये शुरू हो गया है और ये मार्च आज से लेकर के 3 दिन चलेगा। ये पीछे तक भी आप देख सकते हैं और ये आगे का तस्वीर भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में किसान। अरे यार, कितनी बड़ी संख्या में किसान जो है इस मार्च में शामिल होकर के आगे चल रहे हैं। तो ये साथियों, किसान जो लॉन्ग मार्च है उसकी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इस मार्च को, इस ऐतिहासिक मार्च को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। महाराष्ट्र का के अकोले से ये लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और आगे ये लोनी में जाके ख़त्म होगा। ये बड़ी संख्या में, ये पीछे देख रहे हैं, अब लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक किलोमीटर से ज़्यादा में, 1 किलोमीटर से और ज़्यादा लंबी दूरी में ये मार्च है। पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। बहुत ज़्यादा समय हो गया है मेरे को आपको दिखाते हुए, तो मैं अब आगे निकलूँगा और आप सभी से गुजारिश है कि इस लॉन्ग मार्च की ऐतिहासिक तस्वीरें, जो वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, देश के आम किसानों तक। किसान अपनी मांगों के लिए कैसे एकजुट होता है, लड़ता है, फिर जीतता है, किसान से टकराता है, सरकार से टकराता है और फाइनली जो उसकी मांगें हैं उसको पाने की कोशिश करता है। तो ये लॉन्ग मार्च का दृश्य जो है आपको दिखा रहे हैं, ये किसानों का लॉन्ग मार्च अकोले से शुरू हो गया है, लोनी तक पहुँचेगा। बिना फ्रेम काटे मैं वीडियो आपको ये दिखा रहा हूँ। आपको देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में किसान इस मार्च में शामिल हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग इस मार्च में आगे बढ़ रहे हैं। लाल झंडा लिए अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में ये मार्च महाराष्ट्र का ऐतिहासिक तीसरा लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है और ये तीसरा लॉन्ग मार्च आज से शुरू हो करके ये लॉन्ग मार्च 28 तारीख को शाम तक चलेगा। तो ये लॉन्ग मार्च की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र का लॉन्ग मार्च है, ऐतिहासिक किसान लॉन्ग मार्च जो आपको हम दिखा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करके देश को, देश के किसानों को इस एकजुटता के लिए आप शेयर करवाएं, पहुँचाएँ लोगों तक। पूरे देश के किसानों को एक ताकत मिलेगी कि मजदूर अपने संघर्ष के लिए, किसान अपनी मांगों को मनाने के लिए किस तरीके से संघर्ष करता है, किस तरीके से लड़ता है और अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार को झुकाता है। ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक मार्च शुरू हुआ है, जो अकोले से शुरू हुआ है और ये लोनी में ख़त्म होगा महाराष्ट्र के। ये आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है। ये लॉन्ग मार्च की तस्वीरें हैं जिसमें आप सभी लोगों को देख सकते हैं। बड़ी संख्या में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं, सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए बड़ी संख्या में किसान इस लॉन्ग मार्च में शामिल हैं। लोनी में ही ख़त्म होगा, अकोले से ये मार्च शुरू हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बहुत देर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मार्च अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, मार्च निरंतर चल रहा है और पीछे इस मार्च के बाद भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बड़ी संख्या में गाड़ियाँ हैं जिसमें सामान है, जिसमें किसानों का खाने पीने का भी सामान है और बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग अभी गाड़ियों में भी बैठे हुए हैं। तो हज़ारों की तादाद में ये लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है
आप सभी से गुजारिश है कि इस लॉन्ग मार्च को, ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च को देश के किसानों पर देश तक पहुंचाने में सहयोग करें। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुप्स में, सभी जगह जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करें, और ये ऐतिहासिक किसान लॉन्ग मार्च की ऐतिहासिक तस्वीरों को, ऐतिहासिक गवाही के लिए सारे देश के किसानों के अंदर ऊर्जा पैदा करने के लिए ये ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च को पूरे देश में पहुंचाने का कष्ट करें। साथियों, ये लॉन्ग मार्च जो है किसानों का जो मांग था, जिसको लेकर के ये मार्च में जो लॉन्ग मार्च हुआ था 12 मार्च से, उसमें सरकार ने सारी मांगें मान ली, मगर मांगों को, एक भी मांग को लागू नहीं किया, मांगें सारी मान ली। तो फिर दोबारा किसानों ने आंदोलन, अपना झंडा उठाया, फिर से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। वार्ड प्रशासन ने बहुत रिक्वेस्ट किया, इस लॉन्ग मार्च को रोकने का कोशिश किया, मगर ये लॉन्ग मार्च नहीं रुका, लॉन्ग मार्च आगे बढ़ा है। आगे पीछे मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, मैं आगे की तरफ जाऊँगा। पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे भी बड़ी संख्या में टुकड़ों में लोग आ रहे हैं, और अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ और आपको इस ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखेंगे रोड पर, ये देखेंगे आप किस तरीके से, कितनी बड़ी संख्या में ये लॉन्ग मार्च चल रहा है, और बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हैं, बड़ी संख्या में लोग लॉन्ग मार्च में चल रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक दृश्य जो मैंने आपको दिखाए हैं, और अभी आगे चल के मैं आपको फिर से ये फ्रेम दिखाऊंगा, आगे चल के कहीं और एक बार और पूरा वाहनों सहित जो वाहन है उसमें लॉन्ग मार्च में, वो भी मिला के हम सब आपको दिखाएंगे, ताकि आप देख सकें कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इस मार्च में शामिल हैं। तो ये साथियों, मैं अभी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और आगे एक बार जाने के बाद से फिर से हम आपको इस लॉन्ग मार्च का नज़ारा दिखाएंगे। ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च में 3 दिन तक हम हैं, तीनों दिन तक सारी जानकारी आपको इसी पेज पर मिलेगी। सभी साथियों से अपील है कि इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, और सभी साथी तीनों दिन इस पूरी खबर को, पूरे मूवमेंट्स को सारे देश में पहुंचाने में सहयोग करें, खासतौर से जो किसान